भाई ने जो त्याग किया है, आज को मैं नहीं समझती कि कोई महिला इतना इतना त्याग कर सके, क्योंकि जो उस समय में जो बाबा साहब को इतना सक्सेस बनाया उन्होंने, तो उसके पीछे मतलब आज अगर उसको देखा जाए तो कहाँ कोई भी औरत है जो अपने आप को कहेंगे नहीं ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो। तो बहुत सारी जो होती हैं महिलाएं, वो हम ही में से ही जो होती हैं जो पीछे उनको हटाना चाहती हैं। लेकिन मैं तो रमाबाई को सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम। जितना भी हो मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते कि जो उन्होंने इतनी महान हस्ती, उन्होंने अपना जो भी जीवन यापन अपना इतना त्याग किया, उन्होंने इतना त्याग किया है जो कि कोई औरत कोई महिला नहीं कर सकती। कहेंगे आज माता रमाबाई का पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आप तम सब लोग जो हैं उन पर पुष्प अर्पित किए हैं उनकी फ़ोटो पर और उन्हें याद भी किया है आज। क्या कहेंगी आज के इस वक्त में महिलाएं कितना जानती हैं माता रमाबाई के बारे में? मैं सबसे पहले आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जहाँ तक ये रमाबाई का है सवाल, आज तक बहुत सारे लोग रमाबाई के जान चुके हैं। जो बाबा साहब के इतना बड़ा महान हस्ती जो उनको बनाने का कार्य किया है वो माता रमाबाई ने किया है। उनका बहुत बड़ा त्याग रहा है। जो हमारे रमाबाई अगर उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए उनको उत्साहित ना करती और अपना मतलब उनको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने जी जान करके, उन्होंने त्याग करके अपना घर बार में कैसे क्या करना है, उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया है। जो बाबा साहब को पढ़ा लिखाया है इतना, जो इतने बड़े बाबा साहब बन पाए। अक्सर कहा जाता है कि किसी महापुरुष या यूँ कहिए कि सक्सेस आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसे में माता रमाबाई ने जो किया इसका जिक्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपनी किताबों में किया है और उन्होंने तमाम अपने बखानों में किया है। क्या कहेंगी आज की जो महिला है वो माता रमाबाई के जिस तरह से उन्होंने त्याग किया था उनका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकती है उनके उस तरह के जीवन का? देखिए, जितना रमाबाई ने जो त्याग किया है, आज को मैं नहीं समझती कि कोई महिला इतना इतना त्याग कर सके, क्योंकि जो उस समय में जो बाबा साहब को इतना सक्सेस बनाया उन्होंने, तो उसके पीछे मतलब आज अगर उसको देखा जाए तो कहाँ कोई भी औरत है जो अपने आप को कहेंगे नहीं ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो। तो बहुत सारी जो होती हैं महिलाएं, वो हम ही में से ही जो होती हैं जो पीछे उनको हटाना चाहती हैं। लेकिन मैं तो रमाबाई को सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम। जितना भी हो मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते कि जो उन्होंने इतनी महान हस्ती, उन्होंने अपना जो भी जीवन यापन अपना इतना त्याग किया, उन्होंने इतना त्याग किया है जो कि कोई औरत कोई महिला नहीं कर सकती। बाबा साहब का जिक्र करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं और उनका धन्यवाद और ऋणी भी ये बहुजन समाज पूरा अपने आप को मानता है, लेकिन माता रमाबाई जिन्होंने बाबा साहब को बनाया और बाबा साहब खुद उनके ऋणी थे, तो ऐसे में माता रमाबाई का स्थान कहाँ है आज अगर बहुजन समाज के अंदर देखा जाए? अब ऐसे तो नहीं लगता कि जितना बाबा साहब को जानते हैं रमाबाई को भी अब जानने लगे हैं कि भाई रमाबाई का जो हिस्ट्री आजकल बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम लोग भी इतना मतलब जागरूक हो चुके हैं। अगर बाबा साहब के पीछे रमाबाई का त्याग है जो हम लोग उनको भी लेके चल रहे हैं और उनके भी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं सब लोगों में, लेकिन जितना बाबा साहब को लोग समझ पाए हैं रमाबाई को अभी ज़्यादातर नहीं समझ पाए हैं लोग के भी रमाबाई ने जितना त्याग किया है वो शायद ही कोई कर पाए। और बाबा साहब उन्हीं की बदौलत पढ़ पाए इतना, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा, उन्होंने एक एक पैसा एक एक रुपया जोड़कर बाबा साहब को पढ़ाने के लिए लंदन के लिए भेजा, उन्होंने जैसे तैसे अपने बच्चों का गुजारा किया, भरण पोषण किया। तो ऐसे रमाबाई को तो हम नहीं बुला सकते कि मतलब ऐसा उन्होंने त्याग किया है, लेकिन आज को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताया जाता है, हम लोग भी शिक्षित हो रहे हैं कि भाई रमाबाई के बारे में पढ़ो जानो। तो वो है कि लोग बाबा साहब के बारे में तो बहुत जानते हैं लेकिन रमाबाई को मतलब पीछे छोड़ देते हैं, ये हमारे में बहुत कमी है। तो पहले मतलब जिस तरह से बाबा साहब को पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनके संघर्ष की पूरी गाथा गाई जाती है,
6 दिसंबर को भी और 14 अप्रैल को भी, उस तरह से जो रमाबाई जी का जीवन परिचय कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, उनको इतने प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया, कौन लोग जिन्होंने उनको रोका? अब ये तो देखिए, जितने बाबा साहब को पढ़ाने में और जिनका उनका भाई व्याख्यान करते हैं, जो उनको महान बनाने में सब लोगों का है, तो रमाबाई का भी उतना ही त्याग रहा है। अगर रमाबाई नहीं होती, रमाबाई का सहयोग नहीं होता, उनके परिवार का सहयोग नहीं होता, तो बाबा साहब पढ़ने लंदन नहीं जा पाते। क्योंकि सबसे बड़ा त्याग तो रमाबाई ने किया है कि कोई भी आज को किसी औरत को बोल दो कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं, हमें भी साथ ले चलो। लेकिन रमाबाई ने इतना त्याग करा, रमाबाई का हम तो कहते हैं कि भाई पूरा उनकी भी हिस्ट्री होनी चाहिए, संविधान के साथ साथ रमाबाई को भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन किताबों में इतना जिक्र नहीं किया जाता है, साहित्य में कवियों ने लेखकों ने इतना लिखा नहीं है जितना बाबा साहब के लिए संघर्ष किया है, लोगों ने लिखा है, उनको जनाया है पूरी दुनिया में। कौन लोग है, कहाँ कमी रह गई है कि उनको जान नहीं पाई है पूरी दुनिया? खासतौर पर बहुजन भी नहीं जानते हैं इतना रमाबाई को, उनके बच्चे नहीं जान पाते हैं। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ये तो हिस्ट्री लिखने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि जो कि उन्होंने रमाबाई का जिक्र नहीं किया, बस थोड़ा सा बता दिया भाई उन्होंने इतना त्याग किया, उन्होंने भाई अपने मतलब एक एक पैसा जोड़ के उपले पात के बाबा साहब को इतना पढ़ाया लिखाया, और अपने बच्चों का मतलब एक एक जो अपने लिए भी एक 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 ही साड़ी में गुजारा करती थी वो, खाने को कुछ नहीं होता था, रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करती थी। परिवार उनका बहुत बड़ा था, उनकी ननद वगैरह जो उनके माँ बाप थे वो सारे लोग उनके पास रहते थे। तो रमाबाई का तो बहुत ही बड़ा त्याग रहा है, लेकिन फिर भी रमाबाई का आजकल जिक्र नहीं करते, ये हमारे अंदर बहुत कमी है। और ये हिस्ट्री में भी और वैसे भी बाबा साहब के साथ साथ रमाबाई का भी जिक्र ज़रूर होना चाहिए। आजकल की जो महिलाएँ हैं, खासतौर पर दलित बहुजन महिलाएँ हैं, वो बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए मंदिर जाती हैं, माथा टेकती हैं, वैष्णो देवी जाती हैं, दुनिया भर के कर्मकांड करती हैं, और रमाबाई ने अपने चार चार बच्चों को देश की खातिर त्याग कर दिया, उनकी बीमारी में जो पैसा खर्च नहीं कर पाए, मतलब बच्चे बलिदान कर दिए, आज की महिलाओं को कहाँ देखती हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देखते हैं। आजकल तो सब अपने बच्चों के लिए जागरूक रहते हैं कि मेरे बच्चे ये बने वो बने, अपने पति को भी रोकते हैं कि भैया ये मत करो वो मत करो। लेकिन है ना, जो रमाबाई का त्याग है कि उन्होंने अपने चाचा बच्चे जो उनके बेचारे डेथ हो गए थे और बाबा साहब नहीं थे, और उन्होंने कैसे कैसे उनका जीवन यापन किया, कैसे उनको खिलाया पिलाया, कैसे उनकी भाई वो हुई, तो वो तो एक माँ ही समझ सकती है कि उन्होंने कितना दुख उठाया होगा और कैसे किया होगा। लेकिन आज के ज़माने में या आज की महिलाओं में अगर देखा जाए तो ये बहुत नामुमकिन है। मैं तो कहती हूँ कि मतलब जितना रमाबाई ने त्याग किया है इतना कोई भी महिलाएँ नहीं कर सकती। आपको लगता है कि महिलाएँ माता रमाबाई के पदचिन्हों पर चल सकती हैं? इतना तो नहीं चल सकती हैं, लेकिन करती हैं। मैं मानती हूँ कि हम लोग भी करते हैं, और भी जो महिलाएं हमने देखा है कि जो अपने मतलब बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकती जितना रमाबाई ने किया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, माता रमाबाई को कितना जान पाई हैं बहुजन महिलाएँ? नहीं, जान तो पाई है, जैसे 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 ये समाज जैसे हमारा हो रहा है, ऊपर उड़ रहा है, हो रहा है ये, हम जैसे जगह हमारा जैसे ये बुद्ध विहारी समझ लो, ये यहाँ पर लेडीज़ आती हैं, हम लोग अपना उन लेडीज़ों को अपना बताना सब चीज़ कैसे करना है कैसे नहीं करना, अपने गीतों के माध्यम से बाबा साहब के बारे में, मतलब वही है जैसे रमाबाई ने जितना किया है उतना तो खैर हम नहीं कर सकते। क्या आपको भी लगता है कि दलित महिलाओं को, बहुजन महिलाओं को, जो बड़ी महान महिलाएँ रही हैं, उनको स्थान नहीं दिया गया किताबों में लेखकों के द्वारा, उनके साथ में काफ़ी मतलब वो उनके इतिहास को दबाया गया है, कहीं से छुपाया गया है? बिल्कुल, ये तो कर दबाया, जैसे और जाति के लोग हैं, और जाति के लोग वो जहाँ तक हो सकता है, जैसे हम जैसी लेडीज़ जो है उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने मतलब बहुत कुछ रोका भी है उनको, जैसे आगे ये लोग ना बढ़े या कुछ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे समाज हमारा आगे आगे बढ़ रहा है, लेडीज़ भी आगे हो रही हैं, जैसे कि जॉब कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, आगे इस समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं लेडीज़। आपको क्या लगता है, माता रमाबाई के बारे में आपने पढ़ा, कौन सी उनकी ऐसी बात आपको मतलब आपके मन में घर कर गई है कि वाकई में ही ऐसा माता रमाबाई ही कर सकती हैं और कोई महिला नहीं कर सकती? नहीं, देखो उन्होंने संघर्ष तो उन्होंने बहुत ही किया है, यहाँ तक कि इतना करा है कि मतलब देखो जो माँ है
वो ही जान सकती है अपने बच्चों के बारे में, जो बच्चे की जैसे डेथ हुई है, बाबा साहब भी नहीं थे, जैसे तैसे उन्होंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया, एक माँ ही समझ सकती है इस चीज़ को। वो मतलब वो घड़ी उनके हम समझ सकते हैं हम लेडीज़ होके कि मतलब कितना बड़ा उन्होंने त्याग करा होगा अपने बच्चे। वो एजुकेटेड भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी है, और समाज भी उनके साथ ऐसा था कि मतलब कोई उनके साथ कोई हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उन्होंने अपने ही बलबूते पे अपने बच्चों के जैसे भी उन्होंने किया अंतिम संस्कार, जैसे डेथ हो गई। तौर पर देखा जाता है कि आजकल बहुजन महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सेल्फिश बहुत हो गई हैं, तो जो माता रामाबाई ने जो किया था पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी, उनके लिए कितना प्रेरणा देती है? नहीं, प्रेरणा तो देती हैं। अब देखो अब उसके उनके बारे में अब क्या क्या कहें, अब तब है अब जो जो लेडीज जैसे आगे आगे बढ़ रही हैं, निकल रही हैं, जो लोग मतलब पढ़ी लिखी हैं उनको तो क्या पता है, लेकिन जो जो नहीं पढ़ी लिखी उनको ही हम थोड़ा सोचते हैं कि आगे आए उनको उनके यहाँ पर आती हैं हम बुद्ध विहार में उनके बारे में हम जैसे बताना कुछ उनके उनके बारे में जानकारी देनी, तो बहुत कुछ मतलब पूरा महामाया महिला मंडल है जो कि हम जगह जगह जा जाकर गीतों के माध्यम से माता रमाबाई, बाबा साहब और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, हम सभी महान पुरुषों के बारे में गीतों के माध्यम से बताते हैं, ताकि थोड़े कम से कम गीतों के माध्यम से ही सही आदमी जो अनपढ़ लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, वो थोड़ा सा गुनगुनाते हैं कि भाई हाँ बाबा साहब का नाम तो लिया है, इस जागरूकता लाई जाए। तो हम वही गीतों के माध्यम से ये सोचते हैं कि कम से कम रमाबाई या बाबा साहब के बारे में जाने तो सही, गुनगुनाएं थे भाई कि ये बाबा साहब का हमारा ये ऐसा मिशन था हमारे हमारे गीतों के माध्यम से, या जो दल जो भी हमारा कार्यक्रम होता है हम उसमें हर चीज़ का जिक्र करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसी तरह से जागरूकता जो जो हमारी कोशिश होती है, हम तो यही सोचते हैं कि हम उसको जागरूक करें रमाबाई के पचिन्हों पर चलने की। हम भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे बाबा साहब भाई नहीं थे, एक एक पैसा जोड़ के लंदन उनको भेजा, अपने रूखी सूखी टुकड़ों पे भाई गुजर बसर करी उन्होंने, और सब कुछ मतलब उन्होंने इतना किया है कि जो आज की महिलाएं हैं वो नहीं कर सकती। आपको लगता है कि महिलाओं में जितना महिलाओं के अंदर जितनी जागरूकता आएगी समाज के अंदर उतना निखार आएगा? हाँ बिल्कुल, ये अगर महिलाएं जागरूक होंगी तभी समाज में इतना सुधार आ सकता है कि सभी लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, बाबा साहब के मिशन को जानेंगे, रमाबाई के त्याग को जानेंगे कि भाई हमारे लिए क्या क्या उन्होंने किया है, तभी तो जागरूकता आएगी। महिलाएं जब घर से बाहर निकलेंगी, हम लोग भी हैं इतना जब प्रोग्राम होता है तो हम सब लोगों को भाई जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि आप आइए यहाँ पर बुद्ध विहार में आइए, कहीं भी होता है प्रोग्राम होता है, कुछ जो लोग आदमी भी होते हैं वो लोग भी अपने महिलाओं को आगे नहीं लाते, वो खुद चले जाते हैं, महिलाओं को नहीं लाते। हमारा सबसे यही आग्रह है कि कम से कम कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो कहीं भी प्रोग्राम हो, बाबा साहब या भगवान बुद्ध से संबंधित या रमाबाई ज्योतिबा फूले या कुछ है, हम अपने बच्चों को और सभी लोगों को जागरूक तभी कर पाएंगे जब वो अपने महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे। आप क्या कहेंगी, थोड़ा सा इधर आ जाइए, महिलाओं के जिस तरह से बहुजन महिलाओं का बलिदान रहा है समाज के प्रति, उसको लेकर भले ही प्रचार प्रसार उनको इतिहास में ना जाना गया हो इतना, लेकिन अब जो वक्त है, अब उनको महिलाओं को उनके इतिहास को आगे लाने का वक्त आ गया है, और इससे समाज में कितनी संपन्नता और जागरूकता आएगी? देखिए रमाबाई जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी कि आज समाज हमारा जागरूक हो रहा है, और जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है उसको हमारे हर महापुरुष और उन जो भी महिलाएं रही हैं हमारी समाज के उत्थान में जिनका सहयोग रहा है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, हम लोगों को जागरूक कराया जाए उस बारे में, और मैं क्या इस बारे में और ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मुखिया एक तरह से भले ही पुरुष को माना जाता है, हाँ, लेकिन महिला उस पुरुष के भी ऊपर मानी जाती है, हाँ जी, महिलाएं अगर महिला जागरूक होगी तो परिवार को बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी तरह बिल्कुल सही कहा, क्योंकि महिला का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि यदि महिला उनको आगे बढ़ते हुए उनको नहीं यहाँ नहीं जाना, बुद्ध विहार नहीं जाना, मंदिरों में चलो, बच्चे मंदिर जाएंगे और हमारे मिशन को हमारा कामयाब नहीं हो पाएगा,
तो हम तो ये चाहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए इस कार्य के लिए, और उसका बहुत योगदान है महिलाओं का। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।